केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगती सीमा को हाईटेक तकनीक से सुरक्षित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटी सरहद से होगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश को दरपेश समस्याओं के लिए कांग्रेस का लंबा कार्यकाल जिम्मेदार है और देश में ही कई ऐसे लोग बड़े अहदों पर हैं बैठे हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज गुरदासपुर के कस्बा खादिया में RRS नेता रामप्रकाश प्रभाकर की 25वीं बरसी पर करवाए गए बलिदान दिवस पर पहुंचे। यहां किरण रिजिजू ने रामप्रकाश प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कहा कि जब से उनकी केंद्र में सरकार बनी है उनके खुद के इलाके अरुणाचल प्रदेश में आतंकवाद कम हुआ है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात कच्छ तक सारे बॉर्डर हाईटेक तकनीक से सुरक्षित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर और पंजाब से होगी और ये काम करीब एक साल में पूरा किया जा रहा है। वहीं किरण रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस भारत में घुसपैठ करवाती रही है। ये बात उनको बांग्लादेश के ही एक नेता ने 2004 में बताई थी और आज भी देश की सत्ता और बड़े ओहदों पर बैठे लोग देश को बर्बाद करने में बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही नोटबंदी करने का फैसला भी आतंकवाद के खिलाफ है और नकली कई करोड़ों की करेंसी को खत्म करने के लिए किया गया है। किरण रिजिजू ने कहा कि नोटबंदी के सही नतीजे आने वाले बजट के सामने आएंगे और देश का विकास होगा। वहीं पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन जो अब कुछ हमले या घुसपैठ कर रहे हैं तो बौखलाहट में कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। वहीं इसी के साथ ही समागम में RS के नेता डॉ. कृष्ण गोपाल और कई आला नेता, भाजपा, अकाली दल पार्टी और कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेता शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस मंच से यहाँ राम प्रकाश प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं देश की एकता और हिंदू सिख भाईचारे की एकता का संदेश भी दिया गया है। अमर शहीद रामप्रकाश प्रभाकर जी का 25वां शहीदी दिवस मनाया गया और उनकी जो कुर्बानी है वो बेकार ना जाए। राष्ट्र के लोग और आने वाली पीढ़ियां ऐसे देशभक्तों की कुर्बानी को याद रखें। वैसे तो हमारा BSF के लोग और हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज है और पंजाब पुलिस मिलकर के सुरक्षा दृष्टि से काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी पूरा का पूरा काम नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी लाने से जो आदमी नहीं रहते समय में भी वो काम कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हम लोग कर रहे हैं। वो पंजाब बॉर्डर जम्मू सेगमेंट में हम लोग पहले करने का कोशिश कर रहे हैं, साल भर तक वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है सामने में आ जाएगा।